नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का प्रभावी कंपटीशन हब में। हम लोगों ने 70 तक क्वेश्चन देखे थे, चलिए अब 71 क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें ब्लैंक प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मेघास्थनी भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसके संबंध किस देश से था? यूनान, स्पेन, मिस्र या इटली? तो इसका आंसर होगा यूनान। ए आंसर है इस। यूनानी राजदूत मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बताएं दोस्तों आंसर। अमात्य या समाहर्ता, रजुक, चालुक्य क्या कहते थे? आंसर होगा सी रजुक। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रजुक कहा जाता था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त टू, चंद्रप्रीड या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग, गुप्त, शिशुनाग, चोल। इसका आंसर होगा शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्र की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने इस राजवंश का प्रथम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्र था। मौर्योत्तर काल देखते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? चोल, पल्लव, कुषाण या मौर्य? इसका आंसर होगा कुषाण। चलिए इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
इसका राजवैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क ब्लैंक वंश का सम्राट था। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। शक युग यानी कि साका एरा आरंभ हुआ था। सन 58 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा डी, सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? कृतवर्मा, कृष्णदेव राय, कौटिल्य या कनिष्क? तो आंसर होगा डी, कनिष्क। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी 101 या 102 ईस्वी थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता था। ईसा पूर्व ब्लैंक शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी? तो इसका आंसर है पहली। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। खारवेल, महेंद्र, बिंबिसार, अशोक? तो खारवेल। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा में और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। गुप्त एवं गुप्तोचर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई या विल्हन? इसका आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। हर्षचरित्र और कादंबरी, ये दो क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था।
तो इसका आंसर है राजपूत। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ब्लैंक ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। आंसर होगा इसका 390 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चीनी यात्री इत्सिंग ब्लैंक में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। कहाँ पे? ताम्रलिप्ति में, नालंदा में या पाटलिपुत्र में या बोधगया। इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने ब्लैंक पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। बादामी, कन्नौज, दिल्ली या गुजरात। इसका आंसर होगा कन्नौज। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियाँ पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेन सांग 7वीं शताब्दी में, माफ़ी चाहूँगी, 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सी यू की है। इसने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया है। यह भारत में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा तथा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए हम लोग 90 क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा भिक्षु था? मेगास्थनीज, अल्बरूनी, ह्वेनसांग, फाइयान। तो आंसर इसका होगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग इसका आंसर है। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? फाहियान, कुबलई खान, ह्वेनसांग या इत्सिंग। तो आंसर होगा ह्वेनसांग, जो शिक्षक और छात्रों के रूप में रहा। कहाँ पे? नालंदा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा आया। हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा आया और छात्र शिक्षक दोनों के रूप में रहा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने ब्लैंक में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वातापी, अवध, मगध या मालवा। इसका आंसर होगा मगध।
चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी, उज्जैन। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। तो आंसर होगा इसका श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा राजा चोल, कनिष्क कुषाण। इसका आंसर क्या होगा? गलत जोड़ी चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ वृहद्र का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधी द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना, कौशलराज प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा मध्यदेश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? यून सिंह, फाहियान, आई चिंग या ली किसी। इसका आंसर होगा फाहियान। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल और चालुक्य और पल्लव और संगम। संतानवे क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। आंसर बताएं, पल्लव, प्रतिहार, पाल या चोल। आंसर होगा पल्लव। सातवीं और आठवीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में किराता चूर्णियम के लेखक भारवी को संरक्षण प्राप्त था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ एवं
एरातेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। पांड्य वंश की राजधानी थी गया, कांचीपुरम, मदुरै या द्वार समुद्र। इसका आंसर होगा मदुरै। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से तीन राजवंशों का रहा है, चोल, चेर, पांड्य। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुर था। ब्लैंक ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। राजपूत, चोल, चेर, पांड्य। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा इसका पांड्य वंश। पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास तीन चरणों में विभाजित किया जाता है, संगमकालीन पांड्य राज, कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांडे द्वारा स्थापित द्वितीय पांडे साम्राज्य। तमिल रचना संगम साहित्य से पांडव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। पूर्व चोल राजाओं में से किससे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशिन टू, राजसिम्हा, करिकाल, नंदीवर्मन। आंसर इसका होगा करिकाल, सी ऑप्शन। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरैयूर एवं तंजावुर बनी। संगमकालीन तीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था, करिकला, जिसने वन्नी के युद्ध में पांडव तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपतन, कावेरीपट्टनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपट्टनम तथा राजकीय चिन्ह बाघ था। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राजचोल, महेंद्र वर्मम, राजसिम्हा या विक्रमादित्य। आंसर होगा महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन 600 to 630 ईस्वी, 600 से 630 ईस्वी के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन एक ने मत्ता विलास प्रहसन तथा भगवत दज्जुकीयम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सिद्ध राजा सोलंकी, वास्तुपाल, पुलकेशिन टू, मूलराज। आंसर होगा इसका पुलकेशिन टू। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राजचोल टू, राजेंद्र चोल थ्री, विजयालय चोल या कुलोत्तुंग चोल थर्ड। आंसर होगा इसका बी, राजेंद्र चोल थर्ड। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल थर्ड था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर था। यह राज्य पेन्नार एवं
कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीप पे दरियाई विजय पाई थी? करिकला, राजा राज, महेंद्र या विक्रम? इसका आंसर है राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी, आंसर बी। इसकी अन्य विजय केरल, पांड्या, सिंहल एवं पश्चिमी गंग थी। राजराज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव था। प्रारंभिक चेरा डायनेस्टी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु, केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। आंसर इसका है ए, तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम दक्षिणी जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल या शिवाजी? आंसर होगा राजेंद्र चोल। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। सीमावर्ती राजवंश पढ़ते हैं। विंध्या शक्ति ब्लैंक वंश के संस्थापक थे। वाक्टक, काकतीय, पांडव, चोल। आंसर होगा इसका वाकाटक। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल, देवपाल, मैदनपाल या नंदलाल? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पालवंश के प्रमुख राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। पालवंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्य, पाल, सातवाहन या पल्लव? इसका आंसर होगा बी, पाल। पांड्य, सातवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश हैं, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्षों की शुरुआत हुई। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक
बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ। प्रारंभिक चेर वंशीय चेरा डायनेस्टी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आंसर होगा इसका ए। प्राचीनकालीन साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ते हैं। इंडिका के लेखक हैं चाणक्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस या डेरियस। बी होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका कौटिल्य, कालिदास, शूद्रक या मेगास्थनीज। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या भगवद गीता। इसका आंसर होगा बी, रामायण। तमिल भाषा में कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायण के नाम से संकलित किया था। यह तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? कलहन, शूद्रक, विक्रमवेद या बाणभट्ट। तो आंसर होगा बी, शूद्रक। मृच्छकटिम एवं एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, विक्रमोवर्षीयम। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। यहाँ देखिए सर बी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी इसका आंसर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुस्तक और लेखक है हर्षचरित बाणभट्ट, राजतरंगिणी कलहन, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, विक्रम मोर्शियम कालिदास। संगम काल के महाकाव्य शिल्प पादिकरम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए हैं, पाली, पैशाची, संस्कृत या तमिल में। तो आंसर होगा डी, तमिल। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम तथा मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। शिल्प दिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? नागार्जुन, सोमदेव, विशाखदत्त या कालिदास। तो आंसर होगा विशाखदत्त।
विशाखदत्त संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। मुद्रा राक्षस, माफी चाहती हूँ, मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाखदत्त थे। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। देवी चंद्र गुप्तम तथा राघवंद नाटकम विशाखदत्त की अन्य रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? शिवपुराण, रामायण, भगवद गीता या महाभारत? महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 100,000 श्लोक हैं। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? सूरदास, कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास? तो आंसर होगा इसका कालिदास। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मौर्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम तथा ऋतु संहार है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? श्रीहर्ष, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या कालिदास? कौन सा है? चलिए देखते हैं आंसर। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरित्र, वाल्मीकि की रचना रामायण तथा कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम है। पंचतंत्र दंतकथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन या तेनाली रामन? तो इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? वेदव्यास, मनु, अगस्त्य, भरत मुनि? आंसर होगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र संस्कृत में नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है, जिसकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पूर्व की थी। इस ग्रंथ में प्रत्यय विज्ञा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक एवं अभिनय का संकलन है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सुश्रुत, जयदेव, पाणिनी, सूरदास? आंसर होगा पाणिनी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनी है। पाणिनी 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। पाणिनी का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है। तो 4 भाग चलिए देखते हैं। माहेश्वर सूत्र, स्वरशास्त्र, अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ, शब्द विश्लेषण, धातु पाठ, धातुमल, गण पाठ, ये 4 है। पंच सिद्धांतिका, बृहस्थ संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराह मिहिर?
उत्तर होगा वराह मिहिर। पंच सिद्धांत टीका बृहत्तर संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक वराह मिहिर थे। इनके इन पुस्तकों को त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जो वराह मिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका पांच सिद्धांत ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया है जो राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पाणिनि का और विधान में मनु का है। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? कालिदास, तिरुवल्लूर या कबीर या मीराबाई? तो आंसर होगा तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर है। तिरुकुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुत्क काव्य है। इसका रचना काल छठी शताब्दी के आसपास है। इसके सूत्र पद जीवन शैली को स्पर्श करते हैं, जबकि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की रचना की, कबीर ने बीजक तथा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी या यूनानी? आंसर होगा आयुर्वेद। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। 126 देखते हैं। सुश्रुत को ब्लैंक के रूप में माना जाता है। भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय पारिस्थितिक के जनक या भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक? तो आंसर होगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा को सर्जरी का जनक कहा जाता है। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार या उड़ीसा? आंसर होगा कश्मीर। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद का एवं मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे एवं बाद में अपना धर्म बदल लिया। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था, तमिल में या हिंदी में, संस्कृत में या बंगाली में? तो आंसर होगा संस्कृत में। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों एवं 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तिरुकुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत? इसका आंसर होगा तिरुकुरल, ए ऑप्शन। तिरुकुरल लेखक तिरुवल्लुवर, भाषा तमिल। रत्नावली लेखक हर्ष, भाषा संस्कृत। राजतरंगिणी लेखक कलहन, भाषा संस्कृत। मेघदूत लेखक कालिदास, भाषा संस्कृत। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर या भवभूति? चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी।
सी आंसर है भास्कर। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भास्कर प्रथम 600 से 680 ईस्वी भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। उन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों पर टीका लिखा। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी या रूपमती? इसका आंसर है लीलावती। लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। पंचदर्शी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? H.G. Wells, जॉर्ज बुलर, राल्फ ग्रिफिथ, H.H. Wilson। इसका आंसर होगा जॉर्ज बुलर। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर द्वारा किया गया है। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। एक सौ 133 क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष रचित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? कालिदास, बीरबल, बाणभट्ट या तुलसीदास? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ब्लैंक द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। बाणभट्ट, फाइयन, तुलसीदास या कलहन? आंसर होगा बाणभट्ट। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्द कोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। मराठी, संस्कृत या तमिल या बंगाली? आंसर होगा संस्कृत। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश श्लोक के रूप में रचित है। इसके तीन खंड हैं, स्वर्ग दी कांडम, भूवगर्दी कांडम या सामान्य दी कांडम, तीन है। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोणार्क, मुंबई या जयपुर? इसका आंसर होगा मुंबई। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी गुफाओं का शहर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। यह गुफाएं एक द्वीप पर स्थित है। 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? विक्रमादित्य, अकबर, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय? आंसर होगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय
से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी एवं प्रसिद्ध शासक था जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्य अधिकार का प्राप्त किया। उसने भी श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में ब्लैंक के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म? आंसर है बौद्ध धर्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मक विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहरों में सम्मिलित किया गया है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? महाभारत, रासलीला, जातक कथाएं, राष्ट्रकूट कथाएं? इसका आंसर होगा जातक कथाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं ब्लैंक धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। बौद्ध, हिंदू, जैन या राजपूत? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर ए है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बुद्ध। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। अजंता की गुफाएं साहिद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े के नाल के आकार में निर्मित हैं। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? अमरावती, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, महाराष्ट्र? इसका आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 8वीं सदी ईस्वी पूर्व, 2वीं सदी ईस्वी पूर्व, 6वीं सदी ईस्वी पूर्व या 7वीं ईस्वी पूर्व? इसका आंसर होगा बी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये बौद्ध गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से
30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिम्हा देव प्रथम, विक्रम देव, मेघवाहन, कुदेव सिरी। आंसर होगा नरसिम्हा देव प्रथम, ए। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है। गंग राजवंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर निर्माण करवाया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर? तो इसका आंसर होगा ए। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1278 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल यह सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कुलोतुंग, नरसिंह देव प्रथम, विष्णुगोप या महिपाल? आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। एलोरा के मंदिरों का निर्माण ब्लैंक ने करवाया था। चेर शासकों, पांड्यों, चोल शासकों या राष्ट्रकूटों? तो आंसर होगा राष्ट्रकूटों। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में 32 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर ब्लैंक में है। बेंगलोर, तंजावुर, चेन्नई या कोचीन? आंसर होगा तंजावुर में। बृहदेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर या तंजावुर में स्थित एक शैव हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण चोल शासक राज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर राजा ब्लैंक द्वारा बनाया गया था। राजेंद्र चोल, श्री विजय, पृथ्वीराज चौहान या राजा राज चोल प्रथम? इसका आंसर अभी हम लोगों ने पढ़ा, राजा राज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर ब्लैंक काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट या पांड्य? इसका आंसर होगा चोल। आंसर क्या है? चोल। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? अपराजित, राजा चोल, उत्तम चोल या विजयालय चोल? आंसर होगा राजा चोल। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह ब्लैंक के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चोल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मुगल साम्राज्य? चलिए आंसर देखते हैं।
आंसर होगा ए, चोल साम्राज्य। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है तथा इसका निर्माण 1003 से 1010 तक ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्यार दें अपना। धन्यवाद।